हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि अभी मैं अपने मायके में हूँ, और हालांकि हस्बैंड से बात हुई है तो बस यही कि थोड़ी बहुत बात हुई है, और किस चीज में हुई है वो आप लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो मतलब कि आप समझ रहे हैं ना उसका रिएक्ट। यहाँ पे देखिए मैं एक हाथ से ना ये करी, एक्चुअली ना यहाँ पे वो किसी को भी जाने नहीं देता है। छोटा भाई जो भी जाता है उसको बहुत बुरा चिल्लाता है, तो फिर मैंने कहा चलो आज ही कर देते हैं, और कल या आज शाम को मतलब हॉस्पिटल जाऊंगी, तो आज मेरा प्लास्टर भी खोलना है। उसका एक्साइटमेंट ही मुझे बहुत है, क्योंकि एक हाथ ये वाला मैंने जो है वो ऐसे ही नहीं किया ना, इस वजह से। तो आज शाम को या कल मैं अपने घर भी चली जाऊंगी, रीजन वो आप लोगों को जल्दी आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। और छोटा सा मेकओवर किया है, क्योंकि देखिए अगर कुछ चीजें रहती तो फिर और भी अच्छा मेकओवर करती, पर बहुत नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही थोड़ा सा डस्ट वस्ट साफ कर दे। और जो फ्लावर्स थे ना वो मैंने निकाल दिए थे, और भाभी को कुछ अपनी यूट्यूब पेमेंट से बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा जो सरप्राइज गिफ्ट किया है, सरप्राइज दिया है, वो आप लोग आगे के ब्लॉग में देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। हमारे यहाँ ना ये टीवी भी बंद है, मतलब मतलब कि यहाँ पे ना क्या एकदम से लाइट आती है एकदम से लाइट जाती है, तो उसकी वजह से शॉर्ट हो गया, तो टीवी भी बंद है। और देखिए मेरे शिव ना आसपास घूम रहा है, मतलब उसको झाड़ू चाहिए, जो चीज मेरे को मैं काम कर रही हूँ ना उसको वही काम करना है। हालांकि मुझे अब लगता है कि जो हैंड है ना मेरा, जैसे कुछ भी ऐसा कर रही हूँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, मतलब फिंगर वगैरह वो करने में। तो फिर डॉक्टर ने हालांकि बुलाया भी था 4-5 दिन ही बाद, तो 6-7 दिन हो गए। और ये जो मैं बता रही थी तो मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे गिफ्ट, जब वो हमारी शादी नहीं हुई थी वो दिल्ली गए हुए थे, तो ताजमहल था, तो एने के पास भी थोड़ा सा ही, और एक झम शिप को तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा कि शिप को आप लोग देख लो और मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए ऐना को पोछा पाछा, और ना नानी उसको लगा के दे रही थी कार्टून, या किसी को फोन लगा रही थी पता नहीं, तो क्योंकि फिर वो बाहर बाहर भगता है। और यहाँ पे सीधे ना मेन रोड है, मेन रोड चलती है हमारे घर के सामने, जैसे ही निकलो ना तो मेन रोड है, कोई आ रहा है जा रहा है तो डर लगता है कहीं, आप समझ रहे हैं ना इसलिए। और अभी पिताजी क्या है वो सुबह 5 बजे से हमारे पिताजी चले जाते हैं, ये लोग ना करीब 4-5 बजे से उठ जाते हैं। और जिस दिन मैं रुकी हुई थी ना तो उस दिन देखो जगह चेंज होती है तो भी नींद नहीं आती है, और फिर और भी ये जो माहौल था ना इसलिए थोड़ा सा और मेरे को वो लगा। तो फिर काफी देर के बाद मैं सोई, करीब 4-5 बजे सोई हूँ। शिव भी 1-1.5 घंटे के लिए उठ गया था, तो फिर मैंने इन लोग देव से आ रही देखो वो जो जैसी बात करे उससे ऐसी ही करनी चाहिए। क्या करे उसको यही टोन पसंद है। तो यहाँ पे मेरे भाई की बात हो रही थी, और मेरे भाई बोल रहे थे बहुत दिनों बाद ऐसे हंसी हुई हूँ एक्चुअली, है ना ऐसे ही नोक छोक चलती रहती है, तो इसलिए सारा काम होने के बाद फिर मैं निकल गई थी देखो मम्मी के साथ मार्केट। मार्केट में मतलब बड़े पोस्टर में चाहिए, इतने बड़े पोस्टर इतने में नहीं है, कहाँ मिलेगा वो वाला? आप ही तो रखते थे ना पहले, तो कितने दिखाई फिर फ्रेम में है क्या? हाँ दिखाओ, और बाकी यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, दिखाओ। तो यहाँ पे ना हमने 3 पोस्टर लिए थे, और यही हमारा सरप्राइज है एक्चुअली ना। कहते हैं जब बच्चे वाला घर हो तो पोस्टर रहने ही चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन ऐसी नहीं थी हमारे घर की अभी, तो फिर मैंने यहाँ पे 3 पोस्टर लिए थे। पहले मेरा यू था कि बड़ा लूंगी मैं, बट मुझे बड़ा कहीं मिला ही नहीं, और काफी साल बाद ये सब देख रहे हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 3 पोस्टर लिए थे, और जो कि 40-40 रुपए के थे, फिर मैंने भैया से कम करा के 110 रुपए में 3 लिए थे। तो उसके लिए अभी मैं खील भी लूंगी, एंड मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई, और देखूंगी। ऐसे मैंने बाबू से बोला था कि और क्या क्या खाना, जो भी कुछ खाना है बता दो, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया तो नहीं था, बोले कि हाँ आइसक्रीम ले आना और आम ले आना।
तो मेरा जो यूट्यूब पेमेंट है देखिए अभी आया है ना, और जब मैं यहाँ थी तभी आया है। हस्बैंड का फिर मेडिसिन भी बुक किया यहीं से, सो उनका 3 4 दिन में आ जाएगा। हालांकि अभी उनकी रखी हुई थी, तो पहले मैंने मेडिसिन बुक किया, उसके बाद जो अमाउंट बचा तो फिर थोड़ा बहुत फल फूल वगैरह लिए हम भाभी के लिए, क्योंकि आप लोग बोलते आती आप कभी भी उनके लिए कुछ लेते नहीं हो। एक्चुअली मैं बताती नहीं हूँ, कुछ चीजें हैं जो ना ही बताएं तो अच्छा है, दिल से करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ना पानी वाला मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जाना हो, क्योंकि पानी वाला मौसम है, शिव भी साथ में, कहीं वो भीग ना जाए इसलिए। और देखिए एक हाथ से वीडियो बना रही थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो बस देखिए आम फटाफट से मैंने रख लिए, क्योंकि आम लिए थे मैंने, और थोड़े थोड़ा उसके बाद आइसक्रीम और मिठाई वगैरह ली थी यहाँ से। तो ना मैंने तो अच्छे से कैमरा पकड़ा हुआ था, पर ये है ना कि वो कैमरा हिल रहा था मेरी हाथ की वजह से, इसलिए। और कुछ 3 4 ही आइसक्रीम ली थी, उनको आइसक्रीम जो कहते हैं ना, एक खाने की वो जो होती है कि हमें ये खाना है वो खाना है, तो ये देखिए। और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर। तो चलिए हम घर चल गई, आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए घर में ये ना 3 पोस्टर लेके आए थे, जो कि अभी हम चिपकाएंगे, सॉरी खीर ठोकेंगे। और सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई और सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खासकर पिताजी को, सबको की, और भाभी को, कि किसी ने ये सोचा। देखिए सोचते समय पर थोड़ा सा आपको पता है। और यहाँ पे देखिए दूर से ना बहुत अच्छे लग रहे थे, कहते हैं अगर घर में ऐसे ऐसी कोई फीलिंग्स आती है ना, तो उनका चेहरा ही उनके जैसे होता है, ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो फिर मैं और मम्मी पकड़ के जो वो खीर ठोंक रहे थे, और हम नीचे शिव को देख रहे थे। ये ना 3 फोटो लाई थी, 3 फोटो में 4 बच्चे हैं, 4 में एक मेरी, देखिए देखो ये देखो कैसे पकड़ के खड़ा हुआ, एक सिस्टर की बेटी और एक शिव और देव, और जो भी है आने वाली है, आने वाला है उसके लिए, ऐसा करके। तो यहाँ पे देव की मस्ती, शिव की मस्ती है, वो हमेशा चालू रहती है। तो आप लोग को ये छोटा सा मैंने इनको सरप्राइज दिया था। तो यहाँ पे पिताजी बोल रहे थे कि हम कोई काम के नहीं है, ऐसा कि हम नहीं ला पाए ये वो। मैंने कहा ठीक है, सबकी अपनी अपनी परेशानी हो। देखो मैंने टीवी के पास थोड़ा सा चेंज किया था, कुछ और भी होता तो मैं करती, पर हाँ नेक्स्ट टाइम जो भी होगा करूंगी। और यहाँ पे देखिए चिप लगा दिए, ये ना चिपकाते नहीं है, यहाँ पे चिपकते ना तो फिर जो पेंट है वो सही आता। तो हमने इसको कील से ठोंके थे, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और आप लोग बताइएगा हमारा छोटा सा सरप्राइज आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेंबर्स, फेसबुक पे भी आप कर सके। देखिए शिव यहाँ पे घूम रहा है अपनी नानी के साथ, उसको ना चलना बहुत अच्छा लगता है पैदल घूमना। तो हम उसकी ना यहाँ पे सैंडल लेके तो आए थे, पर वो पता नहीं उसने सोते सोते में कहाँ सैंडल गिरा दी, तो एक सैंडल ही उसकी घूम गई है। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मकान देखने, क्योंकि मकान का है जो मैंने मम्मी को जताया हुआ था, मम्मी बोल रही थी देख लो यहाँ पे है, तो वही चीज मैं देखने जा रही हूँ। और देखूंगी तो आप लोग को भी बताऊंगी, आप लोग बताइएगा जरूर जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्योंकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली, आपसे क्या छुपाना है ना। चलिए तो देखिए नाना जी जा रहे हैं लौकी तोड़ने, मम्मी कई बतिया तो दिख रही है कहाँ मम्मी, ये तो दिख रही छोटी छोटी बत्तियाँ, छोटी छोटी ना ये कितनी सी, हाँ ये देख वो लगी है, वो लगी है, जो बड़े होंगे अब इधर ही से तो तोड़े हैं हम लोग, वो वहाँ से तोड़ी है बीच से, ये है मेन ब्रांच है ना, हाँ मेन वो वहीं से घुस, तो वो घुस कैसे गई, वो वहीं से ऐसे घुस के जी 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 बतिया बड़ी होंगी जी लगी छोटी छोटी, ये भी आभारा हो गई है, छोटे सिंगल वाले हम जाना चारों तरफ लगे आजकल तो खूब लगाया,
जी मम्मी जी घुइया ही है और इसके जैसे एक और पत्ता कोई होता है? सुपत्ती तो नहीं नहीं ये तो घुइया ही एक और जो अपन नानी की दादी के यहाँ से लाए थे वो कहा था कांदा उसका भी ऐसा पत्ता होता होता खाते नहीं जी सेम ऐसा ही होता क्या ना हाँ तो वो मेरे यहाँ लग गया है कांदा लग गया ना तीन पत्ती उंगाई खूब बड़ी बड़ी उसकी खाती